नमस्कार, मैं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। भारत ने गलवान घाटी में 2020 में हुए संघर्ष के बाद से चीन के साथ करीब 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सैन्य ढांचे, निगरानी और लड़ाकू क्षमताओं में काफी इजाफा किया है। इस घटना के 3 साल पूरे होने के मौके पर सेना के सूत्रों ने बुधवार को यह बात कही। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही है। साथ ही कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक केंद्रीय बलों की तैनाती नहीं की गई है। इसके खिलाफ भाजपा ने एक बार फिर से हाईकोर्ट का रुख किया है। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में राज्य सरकार को पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था। खासकर 7 जिलों में केंद्रीय बलों की मौजूदगी में पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी प्रमुख फातिह बिरोल ने बुधवार को कहा कि भारत तेल खपत के मामले में जल्द ही चीन को पछाड़कर पहले स्थान पर पहुंच जाएगा। इसके साथ ही बिरोल ने कहा कि भारत के पास हरित हाइड्रोजन उत्पादन में सबसे आगे निकलने का अवसर भी है। भारत इस समय ऊर्जा खपत के मामले में दुनिया भर में 3रे स्थान पर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अब उनके दफ्तर के प्रमुख एंड्री यर्मक ने एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की है। यूक्रेनी अधिकारी ने डोभाल से यूक्रेन शांति फॉर्मूले को लागू कराने में भारत से समर्थन मांगा। पिछले साल जेलेंस्की ने रूस के साथ जंग को खत्म करने के लिए 10 सूत्रीय शांति फॉर्मूले का प्रस्ताव दिया था। यूरोपियन यूनियन की ओर से गूगल को बड़ा झटका लगा है। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी द्वारा एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस की जा रही है। यूरोपियन यूनियन के अनुसार गूगल को एंटी ट्रस्ट लॉ का दोषी पाया गया है। विधि आयोग ने समान नागरिकता संहिता पर नए सिरे से विचार विमर्श शुरू किया है, जिसके लिए जनता से फीडबैक मांगा है। भारत के 22वें विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बड़े पैमाने पर मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से और आम लोगों के विचारों को जानने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने 2 मई की कॉलेजियम की सिफारिश स्वीकार करते हुए बम्बई हाईकोर्ट के लिए 3 वकीलों को जज बनाने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। लेकिन ये सिफारिश मंजूर करते हुए सरकार ने कॉलेजियम की इससे पहले की गई 18 जनवरी की सिफारिश को नजरअंदाज कर दिया, जबकि कॉलेजियम ने इस प्रस्ताव में वकील सोमा शेखर सुंदरम को बम्बई हाईकोर्ट में अतिरिक्त जज बनाने की अपनी सिफारिश दोहराई थी और केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज कर दिया था। वकील सोमा शेखर ने सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति की थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने इस साल मार्च में लंदन में भारतीय उच्चायोग परिसर में तोड़फोड़ की जांच के संबंध में बुधवार रात को 45 लोगों की तस्वीरें जारी की है और हिंसक प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने में आम जनता की मदद मांगी है। कथित खालिस्तानी समर्थकों की तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज से ली गई है और ये लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 19 मार्च को किए गए हमले में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बताया कि शहीद शांति रक्षकों के लिए नई स्मारक दीवार स्थापित करने के भारत के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सभी देशों का आभार जताया। बिहार के लोगों को पटना रांची वंदे भारत ट्रेन के शुरू होने का बेसब्री से इंतजार है। 26 जून को इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। रेलवे ने 12 जून को इस ट्रेन का ट्रायल किया था। इस दौरान कई तरह की खामियां उजागर हुई है। पटना से रांची और रांची से पटना तक वंदे भारत ट्रेन के 756 किलोमीटर के ट्रायल रन में जगह जगह खतरा दिखा। कई जगह इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े, कई बार अचानक ट्रेन की गति धीमी करनी पड़ी। 12 जून को ट्रायल रन में आई दिक्कतों और खतरों को निरीक्षण दल ने जो उनको बताया है। पटना आने के बाद ट्रेन के इंजन पर खून के धब्बे भी बिखरे मिले थे। इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बावजूद एक जगह ट्रेन जानवर से टकरा गई। दुनिया भर में हर साल 15 जून का दिन वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास मकसद ही है बुजुर्ग के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना, उन्हें जागरूक करना और इसे रोकने के प्रयास करना। कुछ दिन पहले ओडिशा के बालासोर में रेल हादसा हुआ, इसमें 288 लोगों की जान चली गई। इस ट्रेन एक्सीडेंट ने पूरी दुनिया को दहला दिया। जिनके घरों के लोग इस ट्रेन में सवार थे उनके लिए ये काल बन गई। 3 ट्रेनों की ऐसी टक्कर हुई कि डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए थे। लेकिन इस हादसे से कुछ हफ्ते पहले रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल प्रमुखों को चेतावनी दी थी। इस बात का खुलासा हुआ है कि सभी से कहा गया था कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही सैकड़ों लोगों के जान पर बन जाएगी, लेकिन वो अलर्ट भी हादसे को टाल नहीं पाया।
जलकुंभी के फूल और पौधे दिखने में तो बेहद खूबसूरत होते हैं, लेकिन जलीय प्राणियों के लिए ये खतरनाक है। तेजी से फैलने के कारण ये जल्द ही पूरे तालाब को ढक लेते हैं। इससे सूरज की रोशनी और हवा पानी के अंदर नहीं जा पाती है, लेकिन जमशेदपुर झारखंड के इंजीनियर गौरव आनंद ने जलकुंभी से जुड़ी इस समस्या से निपटने का नया तरीका खोज निकाला है। गौरव जलकुंभी की डंडियों से रेशे तैयार करते हैं और शांतिपुर बंगाल के बुनकरों की मदद से इनसे साड़ियां तैयार करवाते हैं। वो सालों से जलकुंभी से पेपर मैट्स और हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने पहली बार इसके रेशों को कपड़े की तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनकी इसी सोच से दुनिया की पहली फ्यूजन साड़ी तैयार हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में आठवीं बार अमेरिका की यात्रा पर, हालांकि पहली बार वह राजकीय यात्रा पर है। वह 21 जून से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे। साल 2014 में वह पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए थे और उसी साल दिसंबर में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपना संबोधन दिया था। इस यात्रा पर देश विदेश के विशेषज्ञ नजरें गड़ाए हैं। केंद्र सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की है। सरकार ने रिफाइंड सोया तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 17.5% से घटाकर 12.5% कर दिया है, जो गुरुवार यानी आज से प्रभावी है। केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री रोक दी है। इस फैसले से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झटका लगा है। उसे अपनी 5 गारंटियों में से अन्न भाग्य योजना को लागू करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत कर्नाटक के सभी बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस निर्णय को राजनीतिक बताया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने कर्नाटक में गरीबों को अनाज की आपूर्ति करने से रोकने के लिए यह फैसला किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रबंध निदेशकों की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें चक्रवात बिपरजॉय के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई। साथ ही दिल्ली में आयोजित भाजपा के महान जनसंपर्क अभियान में सीतारमण ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन ने भारत को सबसे ऋणग्रस्त राष्ट्र बनने से बचा लिया। जयपुर में स्थित भट्टा बस्ती से ऐसे ही 22 मासूमों को 12 जून के दिन पुलिस और एक बाल संस्था ने रेस्क्यू किया है, जिनसे जबरन लाख के गहने बनवाए जा रहे थे। पुलिस ने जिन मासूमों को रेस्क्यू किया है वे सभी बिहार के सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। रेस्क्यू के बाद बाल संस्था और पुलिस को पता चला कि इन मासूमों से दिन के 18 घंटे काम करवाया जाता है और खाने के नाम पर सिर्फ खिचड़ी दी जाती है, वो भी दो वक्त की। बच्चों ने बताया कि उन्हें एक शख्स जिसका नाम शाहनवाज उर्फ गुड्डू है, उसने उनके माता पिता को महज 500-500 रुपये देकर खरीद लिया और बिहार से यहाँ ले आया। अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के मामले में पटना हाईकोर्ट की ओर से बिहार सरकार द्वारा की गई अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। इतना ही नहीं बल्कि हाईकोर्ट ने पुल बनाने वाली कंपनी एसपी सिंगला के एमडी को कोर्ट में हाजिर होने का भी आदेश किया है। एसपी सिंगला के एमडी को अपनी विशेषज्ञ टीम के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा है। सोने में निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये खबर आपके लिए खास है। दरअसल सरकार सस्ते में सोना खरीदने का दोहरा मौका दे रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किश्तें जारी करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक एसजीबी स्कीम 2023-24 की पहली सीरीज 19 से 23 जून तक और दूसरी सीरीज 11 से 15 सितम्बर तक जारी रहेगी। चक्रवात बिपरजॉय को लेकर ग्राउंड रिपोर्टिंग में शामिल मीडिया कर्मियों और तैनात सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को चिंता व्यक्त की है। साथ ही एक एडवाइजरी भी जारी की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि मीडिया संगठनों से आग्रह करते हैं कि वे तैनात कर्मियों की सुरक्षा से समझौता न करें और चक्रवात बिपरजॉय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतें। नेपाल के पोखरा में बनाए गए आलिशान एयरपोर्ट को इस साल जनवरी में ही तैयार कर लिया गया था, हालांकि इस एयरपोर्ट पर अभी तक किसी विदेश की इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड नहीं हुई है। यह पोखरा एयरपोर्ट नेपाल में चीन की मदद से बनाया गया है, जिसमें तकनीक से लेकर आर्थिक सहयोग तक चीन की ओर से दिया गया है। हाल ही में एक खबर सामने आई है कि जल्द ही इस एयरपोर्ट पर चीनी फ्लाइट की लैंडिंग हो सकती है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बुधवार को लेफ्टिनेंट पीएस भगत स्मृति व्याख्यानमाला में बोलते हुए 52 वर्ष पूर्व हुए युद्ध के बाद की स्थितियों को याद दिलाया है। जनरल पांडे ने कहा कि बंदी पाकिस्तानी सैनिकों के लिए जिस तत्परता से शिविर तैयार किए गए हैं, उनमें असुविधाओं का इंतजाम किया गया है। खान पान और सुरक्षा के लिए बंदोबस्त किए गए हैं, उन्हें देखकर पाकिस्तानी सैनिक हैरान थे। उस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल भगत की कोशिश की थी कि युद्ध बंदियों को वो सारी सुविधाएं मिले जिनके लिए वह हकदार थे। उन्हें जिनेवा समझौते के अनुसार कैंटीन, चिकित्सा और परिवार के लोगों से पत्र व्यवहार की सुविधाएं भी दी जा रही थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे पर अमेरिका के साथ प्रमुख रक्षा समझौते होने वाले हैं। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीदारी को मंजूरी दी है। हालांकि हथियारों की इस सौदेबाजी के लिए आखिरी मंजूरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को देनी है। बताया जा रहा है कि ड्रोन को लेकर यह समझौता $3 अरब यानी कि लगभग 24,000 करोड़ रुपए का होने वाला है। इसके तहत 18 ड्रोन खरीदे जाएंगे। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं नुन्नू गोलू कुमार, अनवर करीम खान, भान प्रकाश मौर्य, सुरेश शौरम, जितेंद्र ठाकुर। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको अन्य ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत ट्रेन कैसी लगी? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।